हिंदू मंदिरों में साईं की मूर्ति और पूजा पर फिर बवाल मचा है। सनातन रक्षक दल ने इसका विरोध किया है और बाकायदा धर्मनगरी काशी के मंदिरों से साईं की मूर्तियों को हटाने का काम भी शुरू हो गया है। वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर से इसकी शुरुआत हुई है। सनातन रक्षक दल के लोगों ने बीते रविवार को बड़ा गणेश मंदिर से साईं की मूर्ति हटाकर मंदिर को साईं मुक्त करने का अभियान का श्री गणेश किया। इसके बाद सोमवार को पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर से साईं की मूर्ति को हटाया गया। हालांकि अब समाजवादी पार्टी के MLC आशुतोष सिन्हा इसका विरोध कर रहे हैं। सनातन रक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि सनातन धर्म में साईं की पूजा का कोई भी विधान नहीं है और ना ही शास्त्रों में इससे जुड़ा कोई प्रमाण है कि सनातन में प्रेत पूजा मान्य नहीं है। तो जो यहाँ साईं की मूर्ति थी वो प्रेत मूर्ति थी, तो उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे अब लक्ष्मी जी की मूर्ति जल्द से जल्द बैठाई जाएगी। बहुत लोग तो साईं की पूजा करते हैं। अरे करें, अपने घर में करें, देवता की करें, अपने पिता की करें, अपने गुरु की करें। घर में होती है, व्यक्तिगत होती है, ना कि सार्वजनिक होती है। ये हमारा सनातन मंदिर है। तो मूर्ति को आप लोगों ने क्या किया? गंगा जी में विसर्जन करके उनको मुक्ति दे दिया। बता दें कि ज्योतिष और शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने भी इसका पुरजोर विरोध किया था। उस समय भी इस पर काफी बवाल और हंगामा मचा था। इस विवाद को लेकर कुछ साधु संतों ने शंकराचार्य का समर्थन भी किया था, तो वहीं कुछ साईं समर्थक इसे गलत बता रहे थे। अब जब एक बार फिर काशी के मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटाया जा रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस पर हल्ला मचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के MLC आशुतोष सिन्हा ने मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटाने का विरोध किया है। भाई मंदिर मस्जिद की बात कैसे, कब तक चलेगा? कब तक भगवान की बात होगी? कब तक साईं बाबा की बात होगी? बात अब होनी चाहिए पढ़ाई पे, लिखाई पे। कैसे अच्छी पढ़ाई हो सके, कैसे अच्छा माहौल बन सके, कैसे हमारे बनारस के लोग तरक्की कर सकें, कैसे नए उद्योग बनारस में आए, कैसे बनारस के लोगों को रोजगार मिले, महंगाई कम हो, इन सब पे चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काशी का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम सबको मिलजुल के, बनारस खुद ही गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा रहना चाहिए और इस तरह की कोई भी बात जो है हम इसके पक्ष में नहीं।